अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब, सुबह बखैर। एक नई सुबह के साथ और कराची में हल्की हल्की बारिश, और बारिश के पानी ने मचा दिए तबाही। आज सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह सुबह क्या होता है जी, नाश्ता होता है, और नाश्ते के टाइम पर हमने सोचा कि व्लॉग बना लें। तो ताहा भाई से मैंने कोऑर्डिनेट किया है कि ऑफिस जाने से पहले जो है वो एक हम व्लॉग कर लेते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ व्लॉग के लिए, मेरे साथ ही रहिए। अच्छा जी, व्लॉग तो हो गया कैंसिल क्योंकि बारिश शुरू हो गई है, और बारिश में व्लॉग बनना जो है वो मुहाल होता है, तो लिहाजा फ़िलहाल प्रोग्राम कैंसिल। अच्छा जी, मामला ये है कि बारिश भी रुक गई है और थोड़ा हल्की फुल्की भूख भी लग रही है। तो जब भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि फूड पांडा से कुछ मंगवा लिया जाए। फूड पांडा पे देखा तो एक मुझे नज़र आया सवेरा हलवा पूरी। तो सवेरा हलवा पूरी मैंने कहा फूड पांडा से मंगाने के बजाय ज़रा चल के देखते हैं उसी उसकी शॉप पर, उसके रेस्टोरेंट पर, कि सवेरा हलवा पूरी की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या माहौल है और जायका कैसा है, और किस जगह पर लोकेशन है इसकी। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये हम आ गए फाइव स्टार चौरंगी। फाइव स्टार चौरंगी के पास ही सवेरा हलवा पूरी भी है। तो ये मैं आ गया हूँ सवेरा हलवा पूरी, ये सामने आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। फाइव स्टार से अंदर आते हैं तो ये सवेरा हलवा पूरी यहाँ पर होती है। आइए जी, आपको लेकर चलते हैं सवेरा हलवा पूरी। ये सवेरा हलवा पूरी है, ये यहाँ पर कुकिंग चल रही है। सलाम वालेकुम भाई, बैठ सकते हैं, बैठने का है। अच्छा, ये बेकरी है और यहाँ पर इसके लगा हुआ है सेटअप। ये चल रहा है ये माहौल ज़बरदस्त हलवा पूरी का, लाइन भी लगी हुई है। तो आइए खा के ट्राई करते हैं। आया हुआ है एक सेटअप और यहाँ पर ये खिला रहे हैं हलवा पूरी। मैंने यहाँ पर जो पहले से लोग खा रहे हैं उनसे मैंने पता किया है, तो तारीफ़ की लोगों ने। तो अभी आ जाए तो फिर आपको बताते हैं। भाई ये पूरी का साइज़ है ना बड़ा ज़बरदस्त है, आप देख रहे हैं फुल साइज है। साथ में इन्होंने ये अचार भी दिया, और ये चने मैंने मंगवाए थे, ये चने हैं, ये ट्राई करते हैं। गरम गरम हलवा पूरी खाने का जो है ना मज़ा ही कुछ और है। अच्छा जायका है, और जैसा कि मैंने कहा कि इस मौसम में जो है ना गरम गरम हलवा पूरी हो और वहीं पर स्पॉट पे बैठ के जो है ना खाने का मज़ा है। अगर आप घर लेके जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा हलवा पूरी में। चने अच्छे हैं और मसाला भी इसके अंदर बैलेंस है, साथ में अचार भी इन्होंने दिया हुआ है। अचार डाल के आप खाएंगे तो ज़रा एक अलग ही मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हलवा पूरी मैं खा रहा था, तो मेरे साथ मुझे मिले भाई हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं ओए उमर। इनके रिएक्शंस होते हैं और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रिएक्शन दिए, मैं अभी मैंने देखा है यहाँ पर। तो भाई हमारे भी आप रिएक्शन दे रही,
कोई मसला नहीं है, आपको पूरी पूरी आपको इजाज़त है, आप हर वीडियो पे दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और वीडियो ये जो हलवा पूरी की रिकमेंडेशन थी भाई, ये बैठे हैं उन्होंने हाई करने भाई, क्या नाम है आपका? इब्राहिम भाई, अब मेरे बेटे का नाम भी इब्राहिम है। अच्छा, आपका तो खैर उमेर नाम है बता ही दिया। तो भाई उमेर भाई के चैनल पर जाएँ और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करिए। उमेर भाई भी जाके बता देंगे अपने चैनल पर, ठीक है। सवेरा हलवा पूरी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, और फूड पांडा पे भी है, नॉर्थ आदाबाद के रेडियस में ही अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बस ये है कि आपको डिलीवरी चार्जेस देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक बात ये भी बताई है कि आप हाँ जाकर स्पॉट पे जब खाएंगे ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। वो गरम गरम हलवा पूरी होती है और सालन भी इसका बहुत अच्छा था, चने का बहुत मज़ा आया, अचार के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आया।